All right. Yes, come in. आओ बेटा आओ आओ आ जाओ बेटा बैठ जाओ सर. हाँ प्लीज बैठो बैठो. ये क्या ज्वाइनिंग दे दी तुमने? यस सर. ओके गुड. मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छी तरह से काम सीख लोगी और दिल लगा के काम करना. होपफुली सर वो जॉब की खुशी में मैं ये मीठा लेकर आई हूँ. आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा. प्लीज टेस्ट करें. तो बात खाऊंगा. वैसे तो मेरी डायबिटीज है लेकिन कभी कभार चख ले तो छुप छुपा के. किसने बनाई? माय मदर इन लॉ. शी इज अ वेरी गुड कुक. अच्छा चलो आई एम डन. थैंक यू सर. अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं मैम. I just want some time alone. Okay. क्या हुआ? अच्छी नहीं है क्या? जीज, कसम से ऐसी खीर कोई बना ही नहीं सकता. और अगर किसी ने बना के खिला दी तो झट से तुम्हें याद करूंगा. इतनी अच्छी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी, बहुत ही मजे की. खुद खाओ. चलो चलो चलो. बाकी तुमने खुद बनाई? हाँ हाँ.
अच्छा होल्ड करिए मैं देखता हूँ। अरे बे कोई जफर है या कोई? हाँ जी मैं हूँ। आपके लिए फोन आया है। जफर है आप? मेरा फोन आया। आप जफर है तो आप ही के लिए होगा, आइए अटेंड करें। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, मैं जाहिद बात कर रहा हूँ। कौन जाहिद? अवेली से, नसीम बीबी और अवेली का मुलाजिम। जफर साहब मैं आपके बारे में सब कुछ जानता। बहुत बड़ा गजब हो गया है जफर साहब, गजब हो गया। खैरियत? बड़े साहब ने नसीम बीबी को गोली मार दी है, आप दोनों के बारे में उन्हें सब पता चल गया। क्या? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फौरन से पहले यहाँ से चले जाइए। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। अरे नहीं जफर साहब, ऐसा गजब मत कीजिएगा। नसीम बीबी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि आप जिंदा रहे, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। अगर आप यहाँ आए तो उनकी मौत का इल्जाम आपके सर पे धर दिया जाएगा। अगर आप नसीम बीबी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, और अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो खुदा का वास्ता है अवेली मत आइएगा। चले जाइए यहां से, हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए।